मिर्जापुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिनकी वानगी का आरोप मिर्जापुर डीएम कार्यालय पर लालगंज तहसील के हलिया ग्राम सभा से आकर लोगों ने डीएम को ज्ञापन देते हुए पूर्व ग्राम पंचायत सचिव अविनाश सिंह व आशुतोष पांडे, पूर्व राकेश उपाध्याय ग्राम प्रधान के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े और स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय महिलाओं की इज्जत को देखते हुए सभ्यता भी बची है, इसके तहत भारत सरकार की योजना स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी। जब पंचायत राज अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगामी मंगलवार को जांच करने का आश्वासन दिया। वह दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही व उससे पैसे की रिकवरी करने की बात कही। देखना होगा कि डीएम व ग्रामीणों ने अपनी बात रखी, वहीं पंचायती राज अधिकारी ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रिकवरी की बात की। देखा जाए कि अब ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलता है। पोल खुल पोस्ट के लिए मिर्जापुर से चंदन दुबे की रिपोर्ट। जी आपका समझता ही है साहब, हमारा पैसा शौचालय का निकाल लिया, तीन दिन शौचालय के। किस गांव से आई हैं आप? बिजुरी से। क्या नाम है आपका? इतवारी। क्या दिक्कत है बताइए? ये हमारे शौचालय का पैसा कुल निकाल लिया, हमें कोई नहीं पता। शौचालय का पैसा निकल गया आपका? हाँ। कितने लोग हैं जिनका निकल गया है? सब लोग। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे आए हैं सारे लोगों का पैसा निकल गया है? सबको निकल गया। हाँ भाई बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनय कुमार तिवारी है। कहाँ से आए आप लोग, किस गांव से? हमारे सहजी ग्राम पंचायत से, हमारा गांव है बिजुरी। ब्लॉक कौन सा आपका? ब्लॉक हलिया है। क्या दिक्कत है बताएं? दिक्कत है कि हम लोगों का शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है। हम लोगों को 15 अगस्त माने वहाँ खुली बैठक हुई ग्राम प्रधान द्वारा, वर्तमान प्रधान द्वारा, हम लोगों को बताया गया भाई आप लोगों का शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है, इसलिए आपको शौचालय नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा क्यों, जब हम लोग जब ब्लॉक पे गए सूची निकलवाए तो हम लोगों का पैसा निकला हुआ है, इसलिए हम डीएम साहब यहाँ आए हैं। इसके पहले भी आपने प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना 2019 कोई कार्रवाई थी? कोई कार्रवाई नहीं। कोई अभी आप मुलाकात हुई जिलाधिकारी महोदय से? एक हफ्ते का टाइम आ गया है, कहने एक हफ्ते पर कार्रवाई होगी। क्या समस्या है साहब? वो शौचालय हमारा पैसा खा गए। के पैसा खाए गए? प्रधान। प्रधान जी। मेरा नाम राम सागर है। यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या है आपकी? शौचालय का पैसा निकल गया है, हमें पता तक नहीं है, ना हमारी बुनियाद खोदी गई है। ऐसा हो रहा है फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ब्लॉक पे आप शिकायत किए जाके? ब्लॉक पर भी शिकायत हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूर्व प्रधान के द्वारा कि वर्तमान प्रधान? पूर्व प्रधान द्वारा। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राकेश उपाध्याय। उन्हीं के द्वारा किया गया? उन्हीं के द्वारा किया गया है। जिला मिर्जापुर, थाना लालगंज, ब्लॉक हलिया। नाम का बता? ग्राम सहजी बिजुरी से आए। नाम का बता? सुशीला देवी। क्या समस्या हुआ? समस्या हमारा यही है कि देखिए बुजुर्ग है, इसके मैं किस शौचालय में बैठाएं, कहां पे ले जाएं? एक भी शौचालय बना नहीं है और पैसा निकासी हो गया है, पता नहीं कहां पे न्याय होगा हमारा। हम लोगों का न्याय कहां पे मिलेगा सर? मामला है कि मैंने हम लोग शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है, कोई शौचालय नहीं बना है। ग्राम सभा का है, विकास खंड हलिया, उसमें कुछ ग्रामीण यहाँ करीब आए हुए थे, कुछ शौचालयों के न बनने को लेकर और धन आहरित संबंधित शिकायत थी, तो क्या उसमें क्या आपके द्वारा उसमें कोई कार्रवाई की गई भी क्या? जी अभी सुबह दो तीन लोग आए थे हमारे पास सहजी विकास खंड हलिया की शिकायत लेकर के, और उस पर जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक अभियंता सिंचाई खंड चुनार की टीम जो है जाँच के लिए लगाई गई है, उनसे वार्ता भी हुई है और मंगलवार को जाएंगे और जांच करेंगे। जांच के बाद जैसे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निर्णय कार्रवाई। तो क्या उसमें जांच अधिकारी द्वारा कोई टाइम दिया गया कब जांच करने जाएंगे? हाँ, मंगलवार को मेरी वार्ता खुद हुई है फोन पे जी, और उन्होंने कहा कि मंगलवार को खुल जाए। अच्छा, उसमें ग्रामीणों से बात करने पे कुछ बता रहे थे कि 2019 में भी एक शिकायती पत्र जो है दिया गया था लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद। टीम गठित है, रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है तो शीघ्र। 2019 वाली जांच रिपोर्ट मतलब पेंडिंग है? अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा पत्र लीक क्या है, तो मतलब उस समय जांच टीम गठित हुई थी कि नहीं हुई थी, अब ये अभिलेख का विषय है, अब अगर देखें मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं देख के ही बता पाऊँगा इस पर कुछ। अगर मान लीजिए दोषी पाए जाते हैं तो उस पर? बिल्कुल दोषी पाए जाएंगे तो उस पर जो भी है आगे निम्न कार्रवाई की जाएगी।
खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।